में ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करने पर मिला एक इंसान को 50,000 दिरहम का फाइन, और जो दूसरा इंसिडेंट है वो है एक इंसान को हुआ जेल और उसके बाद वो डिपोर्ट होने वाले हैं। तो क्या है इंसिडेंट, चलिए जानते हैं मेरे वीडियो पे। हे वेलकम टू माय चैनल स्मॉल टाउन गर्ल। आज मैं बात करने वाली हूँ जो एक इंसान है उसको मिला है 50,000 रुपये का फाइन। तो क्या है इंसिडेंट, चलिए जानते हैं। एक GCC ड्राइवर ने गाड़ी चला दिया एक अरब फादर एंड सन के ऊपर, और इंसिडेंट में हुआ ये कि जो अरब फादर है उनको हेड इंजरी हुआ है और जो सन है उनका लेग फ्रैक्चर हुआ है। जब इन्वेस्टिगेट किया गया मैटर तो पता चला कि ड्राइवर ने ट्रैफिक साइंस फॉलो नहीं किया है। तो रसल खेमा कोर्ट के तरफ से उनको कंपनसेट करने के लिए कहा है 50,000 दिरहम का फाइन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दुबई में अपने ही घर के सामने जो एक एक्सपेक्ट का मोबाइल छीनने पे हुआ एक इंसान को 1 साल का जेल। तो क्या है वो इंसिडेंट, चलिए जानते हैं। दुबई क्रिमिनल कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से हुआ ये था कि जो पीड़ित है वो अपने ही घर के सामने एक बेंच पे बैठे थे। अचानक एक 34 ईयर के एक शराबी इंसान ने आके उनको थप्पड़ मारा और उनके सर पे मारा, और जो पीड़ित है वो सेंसलेस हो गए। तो जब उनको होश आया तब उन्होंने देखा कि उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस या फिर मारने पीटने के निशान हैं और उनका जो मोबाइल है वो चोरी हो गया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया जो चोर है या फिर जो आरोपी है उनको पकड़ लिया गया और उनको मिला है 5,600 का फाइन और 1 साल का जेल, और जेल पीरियड जब ख़त्म हो जाएगा उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अपने कंट्री पर। ये थे आज के 2 न्यूज़ जो मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।